दोस्तों आज मैं आपके लिए फ्यूचर की पांच ऐसे कारें लेकर आया हूं जो कारों की दुनिया को बदल के रख देगी, जिनकी कीमत इतना ज़्यादा है कि अमीर लोग भी इसे खरीदने की सपना देखते हैं। अगर आपको भी कार चलाने की शौक है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नंबर एक, EZ GO। ये बिजली से चलने वाली एक कार है जिसके लॉन्च होने के बाद इसके शानदार डिज़ाइन से लोगों का मन को जीत लिया, जिसकी सबसे खास बात ये है कि दरवाज़ा पीछे से ऊपर की ओर खोलती है जो इसे खूबसूरत और यूनिक बनाती है, ताकि लोग भी अपनी व्हीलचेयर से इसके अंदर आसानी से घुस पाए। इस कार की टायर को काफ़ी अच्छे से कवर किए गए। इस कार में 6 आदमी आसानी से सफ़र कर सकते हैं। नंबर दो, रेनॉल्ट EZ प्रो। रेनॉल्ट कंपनी ने इस कार को उन लोगों के लिए बनाया है जो सड़क पर चलने वाला ऑफिस या फिर डिलीवरी करने वाला कार चाहते थे, जिसके लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अपने आप चलने वाली कार है, ताकि आप ऑफिस का काम या कुछ और काम आराम से कर सको। अगर आपको और स्पेस की ज़रूरत हो तो इसके पीछे और गाड़ी को जोड़कर ट्रेन के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर तीन, रेनॉल्ट सैम्बियोस। इसे साल 2018 में लोगों के सामने पहली बार लाया गया, जिसे फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसे आपको फ्यूचर की हर एक स्टेक टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, ताकि आपके सफर के लिए आरामदायक बनाया जा सके। इसे दोनों तरीके से चलाया जा सकता है, चाहो तो आप इसे अपने आप चलाओ या फिर ऑटोमेटिक, जिसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इसके अंदर का इंटीरियर इतना लग्जरियस है जिसको एक बार देखने पर आपका नजरिया हटेगा नहीं। नंबर 4, बैटमैन कार। बैटमैन मूवी में कार को देखने पर हर कोई इसका फैन बन जाता है। ऐसा ही हुआ इन दोनों भाइयों के साथ, जिन्होंने बैटमैन जैसा कार दिखने वाली सेम कार बना डाली जो हुबहू बैटमैन जैसा कार दिखने लगता है। उन भाइयों का कहना था कि वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि मूवीज में दिखाई गई कुछ चीजें आप रियल लाइफ में भी इंजॉय कर सकते हो, बस आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। नंबर 5, UFO कार। इस कार को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये कार कम स्पेस से आया UFO जैसा दिखेगा, जो कि एक साइंटिफिक कार है जिसकी ऊपर का पूरा हिस्सा ग्लास का बना हुआ है, जो सड़क पर चलते समय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। दोस्तों इनमें से कौन सा कार आपको पसंद आया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो मुझे बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।